टूर्स, सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं सोलो ट्रैवलिंग के बारे में, कपल ट्रैवलिंग के बारे में, फैमिली ट्रैवलिंग के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं करता ग्रुप ट्रैवलिंग के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप ट्रैवलिंग के बारे में कि ग्रुप टूर्स जो होते हैं उसके क्या प्रॉस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। मैंने बहुत सारे ग्रुप टूर्स कर रखे हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। होते हैं वो काफी सारे वेरियस साइज में हो सकते हैं, लेकिन कोई भी साइज हो सकती है, जैसे कि मिनिमम 5 से लेके 50, 100, 150। सारे ग्रुप टूर्स के जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि ग्रुप टूर्स में जो चीजें होती हैं वो मॉडिफाइड होती है, हर एक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे कि कोई वेजिटेरियन ग्रुप है तो उसके लिए वेजिटेरियन के हिसाब से होती है, और कोई जैन है तो उसके हिसाब से जैन के हिसाब से होती है, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से होती है। उस केसेस में ग्रुप, एक ही ग्रुप टूर्स में अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो इस केस में अगर आपको कभी ग्रुप टूर्स में पता लगता है ओह इसके चार्जेस इतने हैं, मेरे चार्जेस इतने हैं, तो उनकी फैसिलिटीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सेम फैसिलिटीज को सेम चार्जेस प्रोवाइड करना ग्रुप टूर ऑपरेटर्स का काम होता है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है कि फैसिलिटीज के हिसाब से आपको चार्जेस मिलेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी। तो ग्रुप टूर्स किस किस टाइप के होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी। कभी ग्रुप टूर्स डेली वाले भी होते हैं कि सुबह शुरू करके शाम को खत्म हो जाते हैं, कुछ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के हिसाब से होते हैं। कुछ ग्रुप टूर्स ऐसे होते हैं कि डेस्टिनेशन पे होते हैं, जैसे कि यूरोप कंट्रीज में जो ग्रुप टूर्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाओ और वहां से ग्रुप टूर्स स्टार्ट होते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। और हम इंडियन टूर्स की आज बात करने वाले हैं तो मोस्टली मैं उसी बारे में बताने वाली हूँ कि इंडियन टूर्स ग्रुप टूर्स में ये होता है कि अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मुंबई से ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो मुंबई से वापस मुंबई आने तक की सारी फैसिलिटीज ग्रुप टूर्स में होती हैं, और उसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशंस, अकोमोडेशंस, और फिर उसके बाद फूड और साइट सीइंग एक्टिविटीज, सब कुछ इंक्लूडेड हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए, जैसे कि मुंबई से आपने जाना है मनाली तो आप मनाली पहुंच जाइए, वहां से आपको कोई एयरपोर्ट पे पिकअप करेगा और वहां से आपका ग्रुप टूर स्टार्ट होगा जो कि आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने तक का होगा। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वाला भी होता है, तो हर केसेस में अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप के ग्रुप टूर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं उनके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से कि ग्रुप टूर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ग्रुप टूर का ये है कि आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है, आपको कोई भी बर्डन नहीं लेना है, सब कुछ आपके लिए ऑर्गेनाइज होता है। आपको कितने बजे पहुंचना है तो बस आपको टाइम पे पहुंचना होता है उस जगह पे, और वहां से आपको लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, आपको कहाँ रहना है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं मेरी तरह, तो अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं सोलो, तो ग्रुप में सोलो ट्रैवल आप कर रहे हैं लेकिन यू हैव ट्रैवल बडीज, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसमें बहुत मजा आता है, आप सोलो हैं लेकिन आप सोलो नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। तीसरा बेनिफिट ग्रुप टूर का ये है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाना है पर आप अकेले नहीं जा सकते हैं, और अकेले जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, तो उन केसेस में आप ग्रुप टूर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात कर ले तो काफी सारी जगह ऐसी है जो कि वैसे सेफ है लेकिन हम अकेले वहां जाने में झिझकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है और ये सारी जगह पे हमने पहले बहुत कुछ सुन रखा है, तो हम सोचते हैं कि अगर ग्रुप टूर हो तो बेटर होता है। तो वैसी जगहों पे अगर आप ग्रुप टूर में जाते हैं सोलो ना जाके तो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। तो ये सारी जगह आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ग्रुप टूर्स का ये है कि अगर आप ग्रुप टूर में घूमते हैं तो काफी सारी चीजें जो हैं वो आपको चीप हो जाती हैं, जैसे कि बजट में आ जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसी ट्रिप पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपलसरी कार लेना है या कंपलसरी कोई ऐसा व्हीकल लेना है जो कि बड़ा हो, वहां पे एक्टिवा या टू व्हीलर नहीं मिल रहा है, तो उन केसेस में आपका जो फेयर है वो स्प्लिट हो जाता है ग्रुप के बीच में, और वो ट्रिप आपको सोलो से ज्यादा चीप ग्रुप में पड़ती है। तो ये चीज काफी बेनिफिशियल हो सकती है उस टूर में। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर एक ही जगह के ग्रुप टूर्स के अलग अलग प्राइजेस हैं तो उनकी प्राइस डिसाइड होती है मोस्टली अकोमोडेशन के हिसाब से। अगर कोई टूर सस्ता है
तो वो क्योंकि उसका अकोमोडेशन थोड़ा बजट वाला है और कोई चीज महंगी है, कोई ग्रुप टूर महंगा है, तो वो इसलिए क्योंकि उसका जो अकोमोडेशन है वो थोड़ा सा लग्जरी होगा। तो लग्जरी की अकोमोडेशन के हिसाब से उनकी जो प्राइस है वो डिसाइड होती है, और वो आपको चीप इसलिए मिल सकता है क्योंकि ट्रैवल ऑपरेटर्स कुछ अपने स्टाइल में कुछ सर्टेन वे में बार्गेन कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो ये बोलेंगे कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हो सकता है वो जो अकोमोडेशन है वो आपको सोलो जिस रेट में पड़ता है उससे कम रेट में शायद उन्हें पड़ता है, तो उस केस में आपको काफ़ी बेनिफिट होता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो आपको सस्ता पड़ेगा। और एक और चीज जो होती है, जब आप ग्रुप टूर में जाते हैं, आप सोलो हैं जैसे कि मैं सोलो गर्ल हूँ, तो एक और अगर कोई सोलो गर्ल है या कोई ग्रुप में कोई एक लड़की है जो कि जिसको रूम शेयरिंग के लिए, जैसे मान लो एक फैमिली है पांच लोगों का जिसमें दो दो और एक लड़की रह गई, तो वो लड़की मेरे साथ आएगी, वो लोग मेल मेल फीमेल फीमेल ऐसे स्प्लिट करते हैं, तो मेरे साथ ऑलरेडी मेरे रूम में एक फीमेल है, तो उन केसेस में मेरा जो फेयर है अकोमोडेशन का वो मेरे साथ और वो लड़की के साथ स्प्लिट हो जाता है, तो उन केसेस में वो जो ट्रिप है वो मेरे बजट से मुझे सस्ता पड़ेगा, तो इस वजह से ग्रुप टूर्स आर गुड। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको खाने की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्रुप में खाना मिलता है। ग्रुप टूर्स में खाना आपको बेस्ट जगह पे मिलता है क्योंकि वो लोग इतने सालों से इतने टाइम से वो टूर ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि बेस्ट कॉफी यहाँ मिलेगी, बेस्ट मोमोस यहाँ मिलेंगे, बेस्ट फूड यहाँ मिलेगा और बेस्ट चीज़ यहाँ पे यहाँ मिलेगी, तो उसी जगह पर डायरेक्टली वो आपको लेके जाते हैं, तो आप उसी जगह का जो बेस्ट चीज़ है या बेस्ट फूड है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसका आपको टेस्ट मिलता है, वो भी बिना किसी हजल वजल। अगर आप सोलो जाते हैं या आप फैमिली जाते हैं या कपल जाते हैं तो उसमें आपको सर्च करना पड़ता है, ओ यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ कहाँ पे है, तो वो सारा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो आपका उसमें बच जाता है, आप डायरेक्टली जाएंगे उस प्लेस पे, वहाँ पे खाना खाएंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस लेंगे, तो ये बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जब आप जर्नी शुरू करते हैं ना तब आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप जर्नी से वापस आते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि इतने टाइम साथ में रहने के बाद आपकी जो बॉन्डिंग है वो तो हो ही जाती है, आपको ऑलरेडी गेट टुगेदर करने का बहुत सारा टाइम मिलता है जिसमें आप अपनी बातें कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आपको नए नए ट्रैवल बडीज मिलते हैं जिनके साथ आप नेक्स्ट ग्रुप भी प्लान कर सकते हैं, मैंने देखा है और मैंने किया भी है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और आपके नई ट्रैवल बडीज जिनको सिर्फ ट्रैवल में इंटरेस्ट है वैसे ही आपके ट्रैवल फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो व्हाट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट बेनिफिट, अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग से डर लगता है तो आप स्टार्ट करें ग्रुप टूर से, एक बार आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके बाद आप सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सोलो ट्रैवलिंग के लिए आपको सोलो जाना होता है, लेकिन आपको डर है कि मैं सोलो कैसे जाऊंगा, मैंने कभी नहीं किया है या मैं कैसे करूंगी, तो उस केस में आप पहली जो ट्रिप है वो ग्रुप के साथ कर सकते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हुई बेनिफिट की, लेकिन कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब प्रॉज एंड कॉन्स हर किसी में होते हैं, जो फायदे और नुकसान भी होते हैं, तो इनमें नुकसान की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपको ना पसंद आए। नंबर वन चीज़ वो है कि आप किसी भी ग्रुप टूर को बुक करने से पहले अपना रिसर्च करें, क्योंकि हो सकता है सोलो में वो ट्रिप आपको सस्ती पड़ रही हो और ग्रुप टूर में महंगी पड़ रही हो, तो ये रिसर्च पहले कर लेना, कई जगहों पे ऐसा होता है, तो ये रिसर्च करके फिर बुकिंग करें। दूसरा जो लॉस मुझे लगता है वो ये है कि आप बहुत ही टाइट स्केड्यूल में होते हैं और आपको ये होता है कि आपको इस जगह यहीं होना है, इस जगह यहीं होना है, इस जगह यहीं होना है, तो उस चीज़ में ये लगता है कि कभी आपको किसी जगह पे ज़्यादा टाइम रहना था तो आप वो नहीं रह सकते। जैसे किसी को कोई बीच आपको पसंद आ गया और अगर आप सोलो जाते हैं तो आप अपने हिसाब से, हाँ मुझे आज यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे रहना है, या ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप टूर्स में ऐसा नहीं होता है, आपको जितने बजे वहाँ पे आए हैं उसके अकॉर्डिंगली उतने बजे वहाँ से निकलना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस कभी लगता है कि अधूरा रह गया। एक और नुकसान ये है कि कभी आपको अगर ऐसा लगे कि आपके साथ जो ट्रैवल बडीज हैं यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद देम, या उनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर पूरा जो ट्रिप है उस हसल बसल के साथ जाता है कि यार इसके साथ या इनके साथ जाना है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके साथ जो ट्रैवल बडीज हैं वो अच्छे ही होंगे, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ये हो जाता है,
तो उन केसेस में वो ट्रिप डिफिकल्ट हो जाता है विद द बैड मेमोरीज। नेक्स्ट एडवाइस ये देना चाहूंगी कि कभी भी आप कोई भी ग्रुप टूर्स बुक करने से पहले उनके रिव्यूज अच्छे से पढ़ ले, फूड की क्वालिटी के बारे में भी आप पढ़ ले, क्योंकि फूड इज एवरीथिंग। बहुत ज्यादा सस्ते वाले ग्रुप टूर में आप डेफिनेटली एक बार रिव्यूज पढ़ ले, क्योंकि कभी आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो गो फॉर गुड थिंग्स, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता, बीच वाला चूज करें, ऑलवेज गुड। कई बार ग्रुप टूर्स में ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं वो एडिशनल कॉस्ट पे आप उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो हमेशा हर एक ग्रुप टूर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अगर आप चाहें ऑप्शनल होती हैं और उसके चार्जेस अलग से होते हैं जो आपको वहां जाके पे करने होते हैं। जैसे कि आपको कोई म्यूजियम है तो वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, तो उस केस में जो भी टिकट्स होती है वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी होगी। तो उस केसेस में आप अपने पास थोड़ा बजट एक्स्ट्रा हमेशा ग्रुप टूर्स में रखें, क्योंकि यू नेवर नो, कभी आपको कुछ करना है, जैसे कि कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपको अपने कॉस्ट पे करनी होती है, जो उस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो मान लो कि अगर आप फॉर एग्जांपल गोवा गए और अगर उसमें स्कूबा डाइविंग वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिस डेस्टिनेशन पे आप गए हैं, तो वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होगी। तो उस केसेस में आपको कुछ जो भी पैसे हैं स्कूबा डाइविंग के एडवांस में देने होंगे। और उस केसेस में अगर आपने वो बजट नहीं रखा है तो आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कभी कभी मिस कर सकते हैं। तो ये सारे थे प्रॉस एंड कॉन्स ग्रुप टूर्स के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एवरी फ्राइडे मैं आपको मिलूंगी ट्रैवल टिप्स के साथ और मंडे वेडनेसडे ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको और ज़्यादा मेरी ट्रैवल टिप्स देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगी। और अगर आप चाहते हैं ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।